है कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट, आपके पास एक वायर है, तो गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन वायर है। गिवन क्या है यहाँ, गिवन है आपके पास क्या, एक वायर। अब वायर गिवन है तो इसकी लेंथ कॉन्स्टेंट है, कितनी है, 28 मीटर। तो ये देखिए, ये आपका वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ है आपकी 28 मीटर, करेक्ट। पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। कह रहा है कि इस टू बी कट इनटू टू पीसेस, इसको दो पीसेस में कट करना है, ठीक है। तो सपोज लेट अस अज्यूम स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, हमने इस वायर को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमने इसको कट किया, तो सपोज ये लेंथ अगर एल है, देखो पूरा कितना था, पूरा वायर कितना था, 28, करेक्ट। तो अगर हमने इसको L लेंथ से काट दिया तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 28 में से L को माइनस कर दो, यानी कि 28 माइनस L, ये रिमेनिंग लेंथ होगा, करेक्ट। और यूनिट मीटर होगी, L मीटर से काटा हमने, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई, 28 माइनस L मीटर्स, ओके। चलो हम अगर चाहें तो नाम भी रख सकते हैं इसका, सपोज लेंथ L का हमने नाम रख दिया A, B, और पूरा वायर क्या था आपका AC, तो AB जो होगा उससे हम स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि देखिए वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इंटू अ स्क्वायर, मतलब ये जो L लेंथ है, ये जो L लेंथ का वायर है, इससे अब हम क्या बनाएंगे, इससे हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक। और बचा हुआ जो पार्ट है द अदर इंटू अ सर्कल, ये बचा हुआ जो पार्ट है अब इसको अलग कर लीजिए। देखिए ए बी वाला पार्ट हमने अलग कर लिया और बी सी वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे देखिए अलग कर लिया, ठीक है। ये बी सी वाला पार्ट भी हमने अलग कर लिया, कितना ये 28 माइनस L मीटर से, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, इससे स्क्वायर बनाते हैं। तो ए बी लेंथ से अगर आप स्क्वायर बनाओगे, देखिए स्क्वायर बनाना आता है आपको, इसको मोड़ोगे, ठीक है, कितने बार टर्न करोगे इसको, 3 times टर्न करोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा शेप आएगा, गौर करिएगा ज़रा, ये देखिए ये एक स्क्वायर बन के आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, मतलब इसी वायर से तो स्क्वायर बनाया ना, तो अगर हम इस स्क्वायर का नाम रख दो सपोज पी क्यू आर एस, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर और प्लस पी एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एल के। भाई ये जो बाउंड्री की लेंथ है स्क्वायर का, जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर मतलब समझते हो बाउंड्री की लेंथ, मतलब ये इतना इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो ये जो चारों साइड है इसका जो सम होगा वो एल के इक्वल होगा। और चारों साइड के सम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, चारों साइड के सम को हम पैरीमीटर बोलते हैं स्क्वायर का। तो सपोज अगर स्क्वायर की साइड ए है, स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a, ठीक है। तो 4a इज इक्वल्स टू कितना, L, बिकॉज इस वायर को ही तो मोड़ के आपने यहाँ पे बनाया था, इस स्क्वायर को। अब देखिए आप ये सब मत देखिएगा कि यहाँ पे आपको L देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है, तो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरा, इसको ही हमने L को मोड़ कर, इसको टर्न करके देखिए लिया हमने, एक बार यहाँ पे टर्न किया, एक बार यहाँ पे, एक बार तीन बार टर्न करा, तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है। यानी कि 4a जो पैरीमीटर है स्क्वायर का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इस लेंथ की हेल्प से ही आपने, इस L लेंथ की हेल्प के वायर से ही तो आपने स्क्वायर बनाया है। अब देखिए यहाँ से आप 4 से डिवाइड लगा दो, अगर आप 4 से डिवाइड लगा दोगे तो A जो है वो आपका L बाय 4 आ जाएगा, यानी कि जो आपका स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका जो साइड है वो कितना है, L अपॉन 4। बात समझ में आई, स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, L अपॉन 4। L एक देखिए L के फॉर्म में हमने क्यों निकाला है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा स्क्वायर का साइड हमने L के फॉर्म में क्यों निकाला है। अभी हम यहाँ फिगर में बहरहाल आपको दिखा देते हैं कि ये भी L बाय 4 है, ये भी L बाय 4 है, ये भी L बाय 4 है और ये भी। तो इस तरीके से आपका जो साइड आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर जो आ गया, ठीक है, वो कितना आ गया, L बाय 4। तो ये हमने देखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बचा हुआ 28 माइनस L मीटर का लेंथ है, इससे आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है। तो सपोज जो सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, उस सर्कल का रेडियस R है, मान लो सर्कल जो हम बनाते हैं उसका रेडियस कितना है, R है। तो ये रेडियस अगर आ रहा है, अब सुनो 28 माइनस L लेंथ को ही तो आपने ऐसे टर्न करके, मतलब ऐसा राउंड में घुमा के आपने एक सर्कल बनाया है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है, ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री का लेंथ का मतलब क्या, पैरीमीटर, ये पैरीमीटर का लेंथ किसके इक्वल होगा, 28 माइनस L के इक्वल होगा। और आपको पता है अगर किसी किसी सर्कल का रेडियस आ रहा है तो उस सर्कल का पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, मतलब इस बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, 2πr, यही इसका पैरीमीटर है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सर्कल किससे बना हुआ है, 28 माइनस L से,
यानी कि ये लेंथ कितनी होगी, 28 माइनस एल ही तो होगी, तो 2 पाई आर के इक्वल हमने किसको रख दिया, 28 माइनस एल, करेक्ट। ये पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 28 माइनस एल मीटर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, जो स्क्वायर का साइड था आपने उसको एल के फॉर्म में निकाला था, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से ये जो सर्कल है इसका रेडियस आर है, तो आर को भी आप एल के फॉर्म में निकाल लीजिए, आर इन द फॉर्म ऑफ लेंथ एल। तो क्या करें इसके लिए 2 पाई से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी हमने 2 पाई से डिवाइड लगाया और राइट में भी हमने 2 पाई से डिवाइड लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल्स टू 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ये आ गया, ठीक है। तो रेडियस भी एल के फॉर्म में आ गई और जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो भी एल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, ये हमने आपको दिखाई। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या, यहां पर आपको एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखनी है, ठीक है। ये हमने पहले ही लिखा हुआ है ताकि टाइम ना वेस्ट हो, और आपको लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी है, बिकॉज ये सारे जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स ये लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज लिखनी, क्या लिखनी है, सबसे पहले आप बोलोगे लेट अ पीस ऑफ लेंथ एल बी कट फ्रॉम द गिवन वायर, जो गिवन वायर था 28 मीटर का उससे हमने एल लेंथ का एक कट लगाया, ठीक। टू मेक अ स्क्वायर, उससे हमने स्क्वायर बना दिया, तो देखिए एल लेंथ से हमने स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, एल बाय फोर। तो यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ हमने नीचे, नाउ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एल बाय फोर। उसके बाद क्या किया, मतलब इसके बाद क्या किया, देन द अदर पीस ऑफ द वायर, अदर पीस ऑफ द वायर क्या है, 28 माइनस एल मीटर का, इससे हमने क्या किया, देन द अदर पीस ऑफ द वायर टू बी मेड इन टू अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 28 माइनस एल मीटर, ये आपको कॉपी में लिखना है, करेक्ट। फिर आपको स्क्वायर का साइड बताना है एल बाय फोर, उसके बाद आपको सर्कल का रेडियस भी बताना है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन आर की वैल्यू आपको निकाल के ऐसे ही दिखानी है जैसे मैंने दिखाया है। तो यहाँ से आपका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई मीटर्स, ओके। ये भी मीटर में और एल अपॉन 4 ये भी किस में, मीटर में, बिकॉज वायर का जो लेंथ था वो मीटर में दिया गया था, इतना हो गया, ओके। अब देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, ये टू पीसेस कौन कौन से थे आपके, L और दूसरा पीस क्या था 28 माइनस एल, यानी कि आपको L का भी वैल्यू बताना है और 28 माइनस एल का भी वैल्यू बताना है। तो भाई L का वैल्यू निकाल लो, 28 में से माइनस कर देना, तो 28 माइनस L का वैल्यू आ जाएगा, तो टू पीसेस का लेंथ आ जाएगा। लेकिन शर्त है क्या, कह रहा है कि वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया इज एंड द सर्कल इज मिनिमम, पढ़िए फिर से, सो दैट द, आप लेंथ इस तरीके से बताइए दोनों पीसेस की कि सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, मतलब कि आपको लेंथ इस तरीके से कट करना है, स्क्वायर को इस तरीके से दो पीसेस में कट करना है कि बनने वाले स्क्वायर और बनने वाले सर्कल का एरिया अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइन करने का मतलब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वो एरिया मिनिमम हो जाए, प्लीज फोकस करिए, वो एरिया क्या हो जाए, वो एरिया क्या हो जाए, मिनिमम, कौन सा एरिया, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है। तो देखिए यहां पर जगह तो है नहीं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं, यहां अगर हम कंबाइंड एरिया को कैपिटल ए से दिखाएं, ठीक है, तो कंबाइंड एरिया को अगर हम कैपिटल ए से दिखाएं तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा बताइए, कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं थोड़ा एडजस्ट करिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, कंबाइंड मतलब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है आपका, एल अपॉन फोर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब एल अपॉन फोर इंटू एल अपॉन फोर, ठीक है, और एल अपॉन फोर इंटू एल अपॉन फोर क्या होता है, एल अपॉन फोर इंटू एल अपॉन फोर क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे फोर इंटू फोर 16 हो जाएगा भाई, सिंपली ना इसका स्क्वायर करो ना, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर और फोर का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपका एरिया किसका, स्क्वायर का, प्लस अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल, अब आपको सर्कल का एरिया यहाँ पर लिखना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई, और देखिए अभी अभी हमने रेडियस फाइंड करी है, ये पाई और आर का स्क्वायर है, तो आर की जगह आप क्या रख सकते हो, 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, तो आर की जगह हमने क्या रखा, 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई और इसका स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स,
ये जो स्क्वायर है ये ऊपर भी मिलेगा और नीचे 2 पाई को भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा पाई और ऊपर हो जाएगा आपके पास क्या 28 माइनस एल का होल स्क्वायर। और नीचे ध्यान दें जब ये स्क्वायर 2 पाई को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर क्या होता है पाई स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया। अब ध्यान दें ये वाला पाई इस पाई को यहाँ पे दो है पाई स्क्वायर मतलब पाई इंटू पाई, तो एक पाई से कट जाएगा, तो ये वाला पाई एक पाई से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो एरिया है वो आया 28 माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 4 बचा और एक पाई बचा। तो ये हो गया एरिया आपका किसका, सर्कल का। तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ द सर्कल लिख दीजिए कितना 28 माइनस एल अपॉन 4 पाई, और 28 माइनस एल का एक्चुअल में होल स्क्वायर था, तो 28 माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, करेक्ट। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आप देखें तो जो कंबाइंड एरिया है जिसको आपने कैपिटल ए से दिखाया है, तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिएगा लेट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल बी, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आपको लिखना है लेट द कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड लेट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल बी कैपिटल ए। तो ये कैपिटल ए जो है बच्चों, ये कैपिटल ए फंक्शन बन गया किसका, एल का, ए ऑफ एल से हम इसको दिखा सकते हैं। ध्यान से चेक करिए ये फंक्शन किसका है, एल का, ये एल पे डिपेंड कर रहा है। तो यही रीज़न है क्या कि मैंने क्या किया था, स्क्वायर की जो साइड थी वो एल के फॉर्म में निकाला था और सर्कल का जो रेडियस था वो भी मैंने एल के फॉर्म में निकाला था। क्यों, क्योंकि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो एल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स हमको इस एल को ही पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखाना पड़ेगा, बात समझ में आई। इस एल को जैसे हम एक्स को पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखाते थे, मतलब पता करते थे कि कौन सा एक्स पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक उसी तरीके से इस एल को मतलब हम पता करेंगे एल कितना हो कि वो इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, किसके लिए, कैपिटल ए के लिए, कंबाइंड एरिया के लिए। तो एल की जो भी वैल्यू आएगी, एल की जिस भी वैल्यू पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, उस एल पे हम कैपिटल ए को निकाल देंगे, तो वही क्या होगा, मिनिमम कंबाइंड एरिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने मिनिमम कंबाइंड एरिया तो नहीं पूछा है, ठीक है, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे लेंथ पूछा है कि एरिया क्या हो जाए, मिनिमम, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो अब कुछ नहीं करना है, ये जो एरिया है, ठीक है, यही रीजन हमने रेडियस भी एल के फॉर्म में निकाल लिया था, ये जो एरिया है, अब हम इस एरिया वाले फंक्शन को जो कि एल का फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, ओके। और डिफरेंशिएट करने के बाद हम चेक करेंगे कि एल कब पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, मतलब एल की क्या वैल्यू होगी कि जब एरिया क्या हो जाए, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाए। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा एरिया आया था, आप इसको कैपिटल ए से दिखाओ या ए ऑफ एल लिख दो, बात क्या है, सेम है। तो अब हम इसको केवल ए लिख के चल रहे हैं, ए ऑफ एल भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ दिख रहा है कि कैपिटल ए एल का फंक्शन है ना। अब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आप इसको ए डैश लिख दो या डी ए बाय डी एल लिख दो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर एल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान दो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा एल के रिस्पेक्ट में, 2L, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब 2x होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एल स्क्वायर का एल के रिस्पेक्ट में 2L हो जाएगा, हो गया 2L अपॉन 16, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 1 अपॉन 4 पाई तो कॉन्स्टेंट तो ऐसे रहेगा। अब देखो पहले पूरे का करोगे तो 2 आ जाएगा आगे, ठीक है, और 28 माइनस एल की जो पावर है 2, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा जिसको हम नहीं लिखेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इन टू डी बाय डी एल ऑफ, ये अंदर वाले का भी करोगे, यानी कि 28 माइनस एल का भी करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 वन जड 2 और 2 एट जा क्या होता है 16, तो ये हो जाएगा एल अपॉन 8 और प्लस यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो 2 वन जड 2 और 2 टू जा 4, नीचे 1 अपॉन 2 पाई बच जाएगा, यानी कि 28 माइनस एल अपॉन 2 इंटू पाई 2 पाई, करेक्ट। अब ध्यान दें, देखिए 28 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 और फिर माइनस एल का एल के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो 0 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये जो माइनस 1 यहाँ पे बचा है, माइनस 1 जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा, लेकिन माइनस जो साइन है वो यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अब ध्यान दें क्या कि आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो आइए जरा सेकेंड डेरिवेटिव, हम इसको हमने सपोज इक्वेशन 1 बोला, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो जाएगा डी टू ए बाय डी एल स्क्वायर, डी टू ए बाय डी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें एल का एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे तो 8 रहेगा, यानी कि 1 अपॉन 8 हो गया, और माइनस देखिए नीचे तो 2 पाई रहेगा, उसको आप रहने दो ऐसे ही, ठीक है, तो 2 पाई नीचे रहा। अब ध्यान दें क्या कि
यहाँ पर 28 माइनस एल का जब आप करोगे, 28 का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एल का करोगे तो वन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्लियरली देख सकते हो कि डी टू ए बाय डी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एट। देखिए जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन, तो अंदर हो गया माइनस वन, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि वन अपॉन टू पाई, ये हो गया। ओके, नाउ वापस लौट के यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको इसको उठा के किसके इक्वल रखना होगा, जीरो के इक्वल, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है इसको उठा के जीरो के इक्वल रखोगे तो लिखिएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी विल पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एल अपॉन एट माइनस 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट, ये जीरो हो गया। अब इस क्वांटिटी को राइट में भेजोगे तो ये साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ से हो जाएगा एल अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ऐसा हो गया। अब हमको सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, हमको एल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं हम, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 2 से राइट में, 2 से लेफ्ट में, 2 से 2 गया, 2 पाई से कर दो, बल्कि 2 पाई से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से राइट में, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 वन ज़ा 2 और 2 फोर ज़ा 8, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई इंटू एल, यानी कि एल पाई, एल पाई, और नीचे बच गया आपके पास 4 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड बच गया आपके पास 28 माइनस एल। जैसे आपको सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। अब वो इसको 4 को उधर भेज दो या बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट में भी 4 से और लेफ्ट में भी 4 से किया, तो 4 से 4 गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एल एच एस में एल पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एल पाई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 4 इंटू 28 करोगे तो 4 8 जा क्या होता है 32, 3 जाएगा यहाँ पर 4 टू 8 प्लस 3 11, तो 112 हो गया, और माइनस का 4 इंटू एल क्या होता है 4 एल, ठीक। अब देखो 4 एल को लेफ्ट में लेके आओ तो ऐड हो जाएगा, या एडिंग 4 एल बोथ साइड, जो करना है वो कर लो आप, तो एडिंग 4L बोथ साइड, 4L मैंने राइट में भी ऐड किया, 4L मैंने लेफ्ट में भी ऐड किया, ये कैंसिल हो गया भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास, देखिए यहाँ L पाई, यहाँ 4L, आप L कॉमन ले सकते हो बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, L इन द ब्रैकेट पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 112। अब आपको तो L की वैल्यू निकालनी थी, तो डिवाइडिंग बाय पाई प्लस 4 बोथ साइड, तो हमने क्या किया, पाई प्लस 4 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और पाई प्लस 4 से राइट में डिवाइड लगाया, तो पाई प्लस 4 से पाई प्लस 4 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपका जो एल आया है वो क्या आया है, 112 अपॉन पाई प्लस 4, करेक्ट, मीटर्स, लेंथ किस में आनी है, मीटर्स में आनी है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर्स। अब ध्यान दें, हमको ये पता करना है कि ये एल पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, बहुत ईजी हो गया ये, तो क्या कि जो आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो आपने निकाला है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि डी टू ए बाय डी एल स्क्वायर, जिसको कि हम ए डबल डैश ऑफ एल भी बोल सकते थे, क्यों, क्योंकि जो डी ए बाय डी एल आया है वो ए डैश ऑफ एल बोला जा सकता था, क्योंकि ए एल का क्या था, फंक्शन था, ठीक। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये एल पे डिपेंड ही नहीं करता है, और 1/8 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सबको पता है, और 1/2π के आगे क्या लगा हुआ प्लस, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि दो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होंगी तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ये ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डी टू ए बाय डी एल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आप निकालते हो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा, हेंस मिनिमा, हेंस एल इज इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पे जो एरिया हमने निकाला था, ठीक है, ये जिसको हम, कोई इक्वेशन तो मैंने नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मतलब एल अगर इतना हो जाए, कितना, 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर लेंथ का अगर हम वायर कट करें, ठीक है, तब बनने वाले स्क्वायर और सर्कल का जो कंबाइंड एरिया होगा वो मिनिमम हो जाएगा, यानी कि ये जो ए फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक। ओके, तो अगर एल इतना है तो आपने तो दो पार्ट्स काटे थे, एक एल था और एक दूसरा क्या था, 28 माइनस एल, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का लेंथ, और दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, याद है आपको दूसरा क्या था हमारे पास, 28 माइनस एल था, तो माइनस करते हैं क्या हो जाएगा, 28 माइनस एल का वैल्यू रखो, कितना है एल, 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे 1, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई प्लस 4 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये हो जाएगा 28 इन द ब्रैकेट पाई प्लस 4, और माइनस 112 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आएगा पाई प्लस 4। सॉल्व करते हैं, 28 इंटू पाई 28 पाई होता है स्टूडेंट्स, और 28 इंटू 4 112 होता है, 28 पाई प्लस 112, और माइनस का 112 यहाँ है और अपॉन में पाई प्लस 4, 112 से 112 कैंसिल, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, तो दूसरा जो लेंथ है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स। कुछ बच्चे यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो आपके जो रिक्वायर्ड लेंथ हैं वायर के स्टूडेंट्स वो कितने हैं, वो है आपका फर्स्ट जो पीस है उसका लेंथ है 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स, और जो सेकंड लेंथ होगा सर्कल बनाने के लिए वो होगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, सच दैट की कंबाइंड एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। एक चीज़ और, हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया, बट एग्जाम में अगर आपको वो ये पूछते कि फाइंड द मिनिमम एरिया, तब हम क्या करते, तो हम ये जो एल की वैल्यू आई है उठाकर इसको हम इस फंक्शन में पुट करते, ये जो एरिया आपने निकाला है उसको सॉल्व करते, तो जो मिनिमम एरिया आता इस मिनिमम पॉइंट पे वही मिनिमम एरिया होता। ओके, चलो अब बात करते हैं एग्जाम में लैंग्वेज कैसे लिखनी है। आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हो, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे लिखनी है, फाइनली आंसर देखिए। हेंस द कंबाइंड एरिया इज द मिनिमम व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इन मेकिंग द स्क्वायर इज 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए इतना, व्हाइल द लेंथ ऑफ द वायर इन मेकिंग द सर्कल इज 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23